हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आई होप आपका 2023 कामयाबी और कुशलता से भरा रहा। आशा करता हूँ कि ये साल भी आपका कामयाबी से भरा रहे। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस पार्ट के शुरुआत में हमें इसके पिछले पार्ट के कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि क्रीपर को जाके 21 दिन बीत चुके हैं। और जैसा कि हम पिछले पार्ट से जानते हैं कि क्रीपर हर 30 साल बाद 30 दिन के लिए इंसानों का शिकार करने के लिए जाग उठता है, और क्योंकि ये 22वां दिन है इस कारण अब क्रीपर के पास शिकार करने के लिए अब 2 ही दिन का समय बचा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये किसान जैक और उसके 2 बेटे बिली और जूनियर अपने अपने कामों में व्यस्त है, जिनमें से बिली खेत में स्केयरक्रो लगा रहा होता है ताकि कौवे खेत से दूर रहे। तभी बिली की नजर एक स्केयरक्रो पर पड़ती है जो उसे काफी अजीब दिखाई देती है, और जब बिली पास जाकर उसे देखता है तो उसके नुकीले पंजे देखकर बिली तुरंत समझ जाता है कि ये कोई स्केयरक्रो नहीं है, कुछ और ही है, क्योंकि वो स्केयरक्रो के रूप में क्रीपर होता है जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। इसलिए बिली तुरंत वहाँ से चिल्लाता हुआ उल्टे पाँव भागने की कोशिश करता है, जिसे भागता देख क्रीपर अब तेजी से उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं इधर जैक और जूनियर बिली की पुकार सुनकर उसे बचाने गन ले उसके तरफ भागते हैं, पर इससे पहले कि दोनों पहुंच पाते क्रीपर बिली को घसीटते हुए उड़ा ले जाता है, जिसके साथ ये सीन यही कट हो जाती है। आप सीन अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होती है, जहां उसी खेत के पास के हाईवे से एक स्कूल बस गुजरती है, जिसमें कुछ लड़के बास्केटबॉल के खेल को जीतकर वापस लौट रहे होते हैं, जिनके साथ 2 कोच, 1 बस ड्राइवर और 3 लड़कियां भी थी। इसी बीच अचानक से इनकी बस का टायर पंचर हो जाता है, जिसे देखने के लिए दोनों कोच और ड्राइवर बस से नीचे उतरते हैं, जहां तीनों नोटिस करते हैं कि ये टायर किसी अजीब हथियार की वजह से पंचर हुआ है जो किसी धातु का नहीं बल्कि हड्डियों से बना हुआ है। वहीं बस में सभी को रेडियो के जरिए एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है कि 4 दिन पहले करीब के चर्च में जो आग लगी थी वो अब शांत हो गई है, पर वहां से पुलिस को करीब 500 जली हुई लाशें बरामद हुई है, जिनके शरीर के कोई ना कोई अंग गायब थे। ऊपर से उनमें से कुछ लाशें तो 100 साल पुरानी थी। इसके बाद अब जब सभी बस से बाहर कदम रखते हैं, तभी किम्मेल नाम के लड़के को अपने ऊपर से किसी चीज के उड़कर जाने का एहसास होता है, लेकिन जब वो ऊपर नजर घुमाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ जूनियर को खेत से एक अजीब सा चाकू मिलता है, जिसे वो तुरंत जैक को दिखाता है क्योंकि वो काफी अजीब था, पर जैक उस चाकू को देखकर समझ जाता है कि ये उसी क्रीपर का चाकू है। वहीं बस ड्राइवर का किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोच ये तय करते हैं कि वो पंचर बस को ही धीरे धीरे चलते हुए यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जैक उस चाकू को एक भाले का रूप दे देता है, साथ ही वो एक बड़ी सी हार्पून गन भी बनाता है ताकि वो क्रीपर को मारकर अपने बेटे बिली का बदला ले सके। वहीं मिंगसी को एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो बिली और पिछले पार्ट के डेरी को देखती है जो उसे क्रीपर के आने की चेतावनी दे रहे थे, जिसी दौरान मिंगसी को खेतों के बीच भागता हुआ क्रीपर दिखाई देता है जो उनके बस की तरफ कुछ फेंकता है, जिसके कारण उनकी बस फिर से पंचर हो जाती है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मिंसी के सपने के साथ साथ सच में भी बस का टायर पंचर हो गया था, क्योंकि जब बस ड्राइवर नीचे उतर कर देखती है तो उसे टायर से वैसा ही अजीब हथियार मिलता है जैसा कि उन्होंने पहले देखा था। अब क्योंकि बस फिर से पंचर हो चुकी थी, इस वजह से वो इस हाईवे के बीचों बीच बुरी तरह से फंस चुके थे, इसलिए उनमें से कोच फ्लेयर गन्स को रास्ते में रखने लगता है ताकि अंधेरे में कोई गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी बस से टकरा न जाए। इसी बीच जब सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जो कोच रास्ते में फ्लेयर्स रख रहा था उसे क्रीचर देखते ही देखते उड़ा ले जाता है, जिसे ले जाते हुए किसी को भी भनक नहीं लगती, पर क्योंकि कोच अब कहीं मिल नहीं रहे थे इसलिए सभी को बस के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। अब ये सब देख बाकी तुरंत रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसी वक्त बस ड्राइवर को भी क्रीपर उठा ले जाता है, पर इस बार डांटे क्रीपर को ये करते हुए देख लेता है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता क्रीपर दूसरे कोच को भी धर लेता है,
जहाँ स्कॉट पोच के पैरों को पकड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, जिसमें बाकी लोग भी मदद करते हैं, लेकिन उन सब की कोशिशों के बावजूद क्रीपर कोच को उड़ा ले जाता है, जो देखकर डर के मारे सभी बस के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जहाँ बकी अब भी रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश में था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब क्रीपर बस की खिड़की से सभी को घूरे जा रहा था, मानो वो अपना अगला शिकार चुन रहा हो, जिसकी डरावनी शक्ल देखकर सभी के पसीने छूट जाते हैं। क्रीपर अब बस को हिलाते हुए सभी को और डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो किसी कारण से कहीं और चला जाता है। उसी पल ना जाने मिंगसी को क्या हो जाता है, वो अचानक से ही बेहोश हो जाती है, जिसकी आंखें भी अब सफेद पड़ने लगती है, जो एक बार फिर से सपने में डेरी को देखती है, जो उसे क्रीपर के बारे में सब बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम सबको बस आज की रात क्रीपर से किसी तरह बच के रहना है, क्योंकि उसके बाद क्रीपर अगले 23 सालों के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। जो जानने के बाद जैसे ही मिंगसी होश में आती है, वो ये सारी बात सभी को बता देती है कि उन्हें किसी भी तरह सिर्फ आज की रात निकालनी है, पर उससे बचना उतना आसान भी नहीं है। हालांकि अचानक से मिंगसी को ये सब कैसे पता चल रहा था, ये हमें मूवी में नहीं बताया गया। कॉट अब सुझाव देता है कि उन्हें बस से निकलना होगा और पास ही के खेत में जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन इस सुझाव पर उसकी डी से बहस हो जाती है, क्योंकि डी का मानना था कि इस बस के बाहर निकलना बेवकूफी होगी। उसी दौरान बकी जैक के रेडियो से जुड़ने में सफल हो जाता है, जिसे वो क्रीपर के बारे में सारी बात बताता है और ये भी कहता है कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर फिर जैक उसे आश्वासन देता है कि वो जल्दी उन तक पहुँचने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि इनकी मदद के लिए कोई आ रहा था, इस वजह से सभी की जान में जान आती है, लेकिन उसी वो क्रीपर बकी को भी दबोच लेता है और उसे खींचने लगता है, पर रोंडा हिम्मत करते हुए एक और क्रीपर के शरीर के आर पार कर देती है और फिर उसके सिर में भी घुसा देती है, जिस वजह से क्रीपर बकी को छोड़ देता है, क्योंकि वो खुद काफी दर्द में था। क्रीपर बहुत ही मुश्किल से उस रॉड को अपने सर से बाहर निकाल पाता है, लेकिन इस कोशिश में रॉड के साथ साथ उसका आधा सर भी निकल आता है, जिसे वो एक तरफ फेंक देता है। अब क्योंकि क्रीपर घायल था, इसलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उड़ान भरते ही वो बस की छत पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से अब उसका एक पंख बस के अंदर लटक रहा था। इस पर अब बेवकूफ डांटे क्रीपर का खेल खत्म समझकर क्रीपर का मजाक उड़ाने लगता है, जिसका भुगतान उसे अपनी जान देकर करना पड़ता है, क्योंकि फिर अचानक में क्रीपर उस पंख में डांटे को पूरी तरह से लपेट लेता है और फिर एक ही पल में डांटे के सिर को उसके दर्द से अलग कर देता है, जिसकी ऐसी भयानक मौत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर से क्रीपर डांटे के सिर को कच्चा ही निगल लेता है, जिससे उसके आधे कटे हुए सिर की जगह एक नया सिर ले लेता है, यानी कि अब क्रीपर पहले की तरह ठीक हो चुका था, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। आम मौका देख सभी बस से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, ताकि वो बाहर किसी से मदद मांग सके, लेकिन उनके बाहर कदम रखते ही जॉनी नाम का लड़का बस के सारे दरवाजों को अंदर से बंद कर लेता है। वहीं ये सब जब बाहर फिर से क्रीपर को देखते तो वो भागकर फिर से बस में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन घबराहट में जॉनी उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए क्रीपर से बचने के लिए सभी खेत या जंगल की तरफ भागने लगते हैं, जिनका पीछा क्रीपर भी कर रहा होता है, जो उनमें से एक लड़के को अपना शिकार बनाता है। अब उस लड़के को मारने के बाद क्रीपर स्कॉट की तरफ वार करता है, जो स्कॉट के हाथ के साथ साथ एक पेड़ पर भी लग जाती है, जिस वजह से स्कॉट वहीं फंस जाता है। पर अब क्रीपर को उसकी तरफ बढ़ता देख रोंडा, डी और इजी मिलकर स्कॉट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में क्रीपर स्कॉट को भी वहां से ले जाने में कामयाब हो जाता है। इधर मिंगसी उन सभी से अलग होकर सड़क पर आ जाती है, जिसे वहां जैक मिल जाता है, जिसे मिंगसी सब कुछ बताती है, इसलिए जैक अब उसे अब बस तक ले चलने के लिए कहता है। वहीं बकी किसी तरह से बस के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है, पर वहां क्रीपर भी पहुंच चुका था, जो बकी को एक बार फिर से दबोच लेता है, लेकिन तभी वहां मिंगसी के साथ जैक भी पहुंच जाता है, जो अपनी हार्पून गन से क्रीपर की तरफ एक भाला फायर करता है, जिसे उसने एक मजबूत तार से जोड़ रखा था, ताकि क्रीपर कहीं भाग ना पाए। अब क्योंकि वो बाला क्रीपर के शरीर के आर पार हो चुका था, इस वजह से वो अपने साथ जैक की भी गाड़ी को ऊपर खींचने लगता है, जिससे किसी तरह वो भाला अपने शरीर से निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे फिर वो जैक के बेटे जूनियर की तरफ फेंकता है, जिससे वो बार बार बचता है।
साथ ही क्रीपर को अब जैक के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अब उसे मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जो देख अब जैक तुरंत बस के बीच से होते हुए उस पर फिर से भाला फायर करता है, जो इस बार भी क्रीपर को लग जाता है। हालांकि अब भी उसमें ताकत मौजूद थी कि वो गाड़ी के साथ साथ बस को भी खींचने लगता है और जैक सही समय पर नीचे कूद जाता है, क्योंकि क्रीपर ने उसकी गाड़ी के साथ साथ बस को भी पलट दिया था, जिसके बाद क्रीपर वहां से भाग पड़ता है। दूसरी तरफ हम रोंडा, इजी और डी को देखते हैं, जिन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, इसलिए वो उसमें सवार होकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जो गाड़ी इजी चला रहा होता है। लेकिन क्रीपर से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खून का प्यासा क्रीपर अब उनके पीछे पड़ जाता है। डी बचाव में उस पर एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे क्रीपर को कुछ होता तो नहीं, बल्कि डी अब उसके टारगेट में आ जाता है। इसलिए गाड़ी की तेज रफ्तार होने के बावजूद क्रीपर काफी तेजी से उस तक पहुंच जाता है, जो देख इजी तुरंत रोंडा को चलती गाड़ी से नीचे धक्का दे देता है और फिर वो डी को नीचे झुकने के लिए कहकर अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिस वजह से क्रीपर उसकी गाड़ी से बुरी तरह टकरा जाता है, जिससे ये भी बुरी तरह पलट जाती है। अब इसकी कुछ देर बाद जब डी को होश आता है तो वो क्रीपर के टूटे हुए एक पंख को अपने सामने पड़ा हुआ देखता है, क्योंकि इस दुर्घटना में डी के साथ साथ क्रीपर भी काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो फिर भी डी तक किसी तरह पहुंचने में सफल हो जाता है, ताकि वो उसके भी शरीर के अंगों को खाकर खुद को ठीक कर सके। पर क्योंकि क्रीपर काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इस वजह से डी कुछ देर तक उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ जैक और बाकी सभी आ जाते हैं, जो आते ही क्रीपर के सिर के हार पर एक और भाला मारते हैं, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। और ये देख जैक ने जो भाला क्रीपर के चाकू से बनाया था, उससे वो क्रीपर को बिना रोके कई बार मारता है। लेकिन अब तक ये 30वां दिन पूरा हो चुका था, इस वजह से क्रीपर मरने के बजाय वापस से अपने गहरी नींद में लौट जाता है, जो अब जाकर 23 साल बाद वापस से जाग जाएगा, जिसके बाद बचे हुए लोग वहां से चले जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें 23 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम जैक के बेटे जूनियर को देखते हैं। दरअसल इन्होंने क्रीपर की लाश को अपने घर पर ही लटका रखा था, जिसे देखने के लिए अक्सर शहर से लोग आया करते थे। यहां हम देखते हैं कि क्रीपर की लाश पूरी तरह से सूख चुकी थी, पर उसको वापिस से जागने में सिर्फ 3 दिन का ही समय बचा हुआ था, जिसका इंतजार बूढ़ा जैक उसकी लाश के सामने ही बैठकर अपने हथियार के साथ कर रहा होता है, ताकि जैसे ही क्रीपर जागेगा तो इस बार जैक उसे पूरी तरह से खत्म करके ही रहेगा। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है ये मूवी सीरीज यहीं खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, इसकी और भी 2 पार्ट्स है, जिनका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो इनका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।